साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि आगे आने वाले एक से दो दिन की हम बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का हाल किस प्रकार रह सकता है, लेकिन शुरुआत करेंगे यहां पर मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, क्या कुछ खास हलचलें रह सकती है मौसम के हाल में, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले देंगे। और यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जी हाँ, देख सकते हैं कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। असम में कुछ हिस्सों में बहुत तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही हम बात करते हैं यहां पर मेघालय की, तो बता दें यहां पर भी कुछ जगहें हैं जहां पर बहुत भारी बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि उपमाले पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो बता दें यहां पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं। यहां पर आगे आने वाले दिनों के दौरान कहां पर चेतावनी है, कहां पर नजर बनाए रखनी है, इसके बारे में मौसम विभाग द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप, यहां पर दर्शाया जा रहा है अलग अलग रंगों से, पीले रंग से भी यहां पर अंकित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, हरा रंग जो है वो दर्शाता है कि यहां पर हाल फिलहाल में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो जो क्षेत्र पीले रंग से अंकित किए जा रहे हैं यहां पर नजर बनाए रखनी है। आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में, उत्तर के क्षेत्रों की बात करें, गर्म हवाएं चल सकती हैं, पूर्वोत्तर में तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं दक्षिण की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु पुदुचेरी में तेज बरसात हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर में तेज बरसात हो सकती है, गरज के साथ यहां पर बादल बरस सकते हैं, तो ऐसे में यहां पर सतर्क रहने की जरूरत बनी हुई है। देख सकते हैं आप, अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड वगैरह में यहां पर गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हां, यहां गर्म हवाएं चल सकती हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहना है, यहां पर नजर बनाए रखने की चेतावनी दी जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो ये आगे आने वाले एक से दो दिन की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रवार अगर हम बरसात के हाल की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है, लद्दाख में बादल बरस सकते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आगे आने वाले 102 दिनों के दौरान कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों की बात करते हैं, तो यहां पर हाल फिलहाल में बरसात नहीं होगी। देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो यहां पर हाल फिलहाल में बरसात की कोई भी संभावना नहीं है। पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करते हैं, देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं उपमाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहां पर अनेक जगहों पर बादल बरसने की संभावना है। ओडिशा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहां कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं हम दक्षिण का रुख करते हैं, देख सकते हैं आप, केरल में अनेक स्थानों पर बादल बरस सकते हैं, तमिलनाडु में और आंतरिक कर्नाटक में भी हम देखें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें, हम रायलसीमा की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं बाकी क्षेत्रों की करें तो बरसात की संभावना नहीं है। मध्य और पश्चिमी भारत की बात करते हैं, देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाके हैं जहां पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अन्य क्षेत्रों पर हम नजर डालते हैं तो देख सकते हैं कहीं भी बरसात की कोई संभावना नहीं है आगे आने वाले एक से दो दिनों के दौरान। मौसम पूर्वानुमान तो आपने जान लिया, मौसम की चाल पर भी अब नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं आपकी पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो यहां पर लद्दाख में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे हैं और हवाएं भी चली हैं। जी हां, यहां पर तेज हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, और कुछ एक इलाके हैं जहां पर पानी भी बरसा है। तो ये उत्तर पश्चिम भारत की हम बात कर रहे हैं, देख सकते हैं इन इलाकों में यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल किस प्रकार रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, अगर हम पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के साथ साथ हम बात करते हैं यहां मेघालय की, तो देख सकते हैं यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। और वहीं ओडिशा पर नजर डालते हैं, देख सकते हैं यहां पर तेज हवाएं चली हैं, जबकि दक्षिण का रुख करें, देख सकते हैं आप, यहां पर तमिलनाडु में बादल बरसे हैं, केरल में, लक्षद्वीप में और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है और कहीं कहीं तो तेज हवाएं भी चली हैं। देख सकते हैं केरल और तमिलनाडु में तेज हवाएं चली हैं, जबकि आप देख सकते हैं लक्षद्वीप में
यहां पर तेज हवाएं चली हैं, बादल भी बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हाल रहा है, बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं। तो आपने जाना कि किस तरह का हाल रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौसम के लिहाज से। तो बरसात और तेज हवाओं का हाल तो आपने जान लिया, मौसम से संबंधित और जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको, टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरपर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीवी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीवी के इलाज में अपनों का साथ दें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, मौसम से संबंधित और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हम तापमान के हाल की। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का हाल किस प्रकार रहा है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे पहले आपको बताएंगे अधिकतम तापमान का हाल। देख सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। देख सकते हैं आप, पर अंकित किया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। जबकि हम पंजाब की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर हम बात करते हैं सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, साथ ही हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है, 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले। तो इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी रही है अधिकतम तापमान में। वहीं बढ़ते हैं आगे, देख सकते हैं आप यहां पर हम झारखंड की बात करते हैं, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। तो इन क्षेत्रों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, 3.1 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा बदलाव है, 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रही है सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान में। वहीं बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको हम हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल। तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है, जी हाँ, यहां पर भी 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर हम गुजरात की और कोंकण गोवा की बात करें, हम विदर्भ की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ भी ऐसा ही हाल रहा है, 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। बढ़ते हैं आगे, उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई हैं, 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रही है यहां पर, जी हां, कम रहा है अधिकतम तापमान यहां पर। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो ऐसा ही हाल रहा है, देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। पुदुचेरी में भी ऐसा ही हाल रहा है। और सबसे ज्यादा तापमान बता दें आपको झारखंड के डाल्टनगंज में रहा है 44.8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की, बता दें आपको कि हम बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो यहां पर देख सकते हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले।
तो देख सकते हैं किस तरह का हाल रहा है यहाँ पर, बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हाल रहा है। जी हाँ, 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले, तो इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरियाणा की राजधानी दिल्ली की, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सौराष्ट्र, कच्छ की और मध्य प्रदेश की, साथ ही साथ हम मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर अधिक न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ पर रही है पिछले 24 घंटों के दौरान, इन क्षेत्रों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, साथ ही साथ अगर हम बिहार पर भी नजर डाल लेते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। तो न्यूनतम तापमान का जो पारा है वो बढ़ रहा है इन क्षेत्रों में। यहाँ हम देख सकते हैं ओडिशा की बात करते हैं, गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें, झारखंड पर नजर डालते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर त्रिपुरा की बात करें, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की बात करें तो 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। तो इन इलाकों में भी ज्यादा ही दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले। और वहीं हम बात करते हैं दक्षिण का, तो देख सकते हैं आप उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना पर नजर डालें, तमिलनाडु पुदुचेरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी रही है। जी हाँ, यहाँ पर रहा है 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक का बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। वहीं हम गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो ऐसा ही हाल रहा है, यहाँ पर भी 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। तो इन क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी ही रही है। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो देख सकते हैं यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी सी पलट गई हैं, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रही है न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं आपको बता दें कि सबसे कम तापमान मैदानी इलाकों में कहां रहा है, पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में, और यह दर्ज किया गया है 18.2 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं मुख्य शहरों की, शहरों में किस तरह की तापमान की स्थिति बनी हुई है इस पर नजर डालते हैं। देश के मुख्य शहरों में तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है अभी आपने जान लिया, तो तापमान की स्थिति आपने जान ली। आगे आपको बताएंगे हम वायु गुणवत्ता का हाल, पर्यटन पूर्वानुमान की भी जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मजा आइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना, 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार बुलेटिन में हम आपको मौसम से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं हम वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता क्या क्या हाल है बताते हैं आपको। राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, 286 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि खराब की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है, थोड़ा खराब है हाल। लखनऊ की बात करें, 52 है यहां पर गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छे की श्रेणी में यहां पर दर्ज किया जा रहा है। पटना की बात करते हैं, 6 है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि बहुत ही अच्छी परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं वायु के लिहाज से। वहीं पुणे की बात करें, 108 है, जो कि संतोषजनक परिस्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। जी हां, पुणे में 108 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद की बात करें, 103 है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में ही आता है, तो यहां पर भी संतोषजनक की परिस्थितियां हैं। मुंबई की बात करें तो अच्छी हाल है, यहां पर अच्छे हाल बने हुए हैं, 84 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे पर्यटन पूर्वानुमान पर, अब हम नजर डाल लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कैसे मौसम का हाल बना रहेगा बताते हैं आपको। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हम बात करेंगे तो आगे आने वाले 4 दिनों पर हम नजर डाल सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार को यहां बादल छाए रहेंगे, जबकि शनिवार और रविवार की बात करें तो यहां पर बादल बरस सकते हैं। जी हां, बादल बरसने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, 26 से 27 पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं तो देख सकते हैं गुरुवार को यहां पर थोड़ा गरज के साथ हवाएं चल सकती हैं, जबकि शुक्रवार शनिवार और रविवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, 12 से 17 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, चारों ही दिन 2 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर पारा दर्ज किया जा सकता है। आगे आने वाले 4 दिनों की हम बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश के शिमला की, तो देख सकते हैं गुरुवार को जरूर यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, शुक्रवार को बादल भी बरस सकते हैं, बल्कि शनिवार और रविवार की बात करें तो यहां पर बादल छाए रहने की संभावना है, बादल बरसेंगे नहीं। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, न्यूनतम तापमान का हाल भी ऐसा ही है, 25 और 16 बना रहेगा अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के शिमला की हम यहां पर बात कर रहे हैं। बिहार के नालंदा की बात करते हैं तो देख सकते हैं गुरुवार को जरूर यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, और वहीं शुक्रवार और शनिवार के साथ रविवार की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल बरसेंगे ना ही छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में जरूर थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, 37 से 40 पहुंच रहा है, न्यूनतम तापमान में हालांकि थोड़ी गिरावट है, 1 डिग्री की ही गिरावट है, 24 से 23 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं बढ़ते हैं आगे, कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, देख सकते हैं पहले 2 दिन तो बादल बरसेंगे, जबकि शनिवार रविवार को यहां पर बादल छाए रहेंगे, बादल बरसने की फिलहाल कोई संभावना नहीं बनी हुई है। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक सा बना रहेगा, 34 और 22 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, यहां पर कोई बदलाव की संभावना नहीं जताई जा रही है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यहां के तापमान को लेकर। बादल शुरू में बरसेंगे लेकिन बादल बाद में छाए रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, केरल के कन्नूर की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप चारों ही दिन यहां पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हां, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार की बात करें चारों ही दिन बादल बरसने के आसार हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान 34 से 36 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, 26 से 27 पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो देख सकते हैं बादल बरसने की संभावना है, इसी तरह से योजना बना के आप यहां का रुख करें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं तो चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, ना बादल छाए रहेंगे ना ही बादल बरसने के कोई आसार है। अधिकतम तापमान देख सकते हैं 41, 43, 42 और फिर 41 है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी है, 26 से 25 पहुंच रहा है अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर न्यूनतम तापमान, तो यहां का आप रुख कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के माउंट आबू की बात करते हैं तो अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बिल्कुल मौसम साफ बना रहेगा, देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो रही है, 35 से 36 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 15, 16, 16 फिर 15 पर आकर यहां पर दर्ज किया जा सकता है। तो ये जो तापमान है इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव यहां पर अनुमानित नहीं है, जबकि बादल तो आप देख रहे हैं कि बरसने की कोई आसार बने ही नहीं हुए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं तो देख सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बादल बरस सकते हैं। जी हां, चारों ही दिन गरज के साथ बादल बरसने की संभावना यहां पर बनी हुई है, अधिकतम तापमान 31 से 33 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो अगर आप कन्याकुमारी का रुख करने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें बादल बरसने के आसार यहां पर अगले 4 दिनों के दौरान बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं तो देख सकते हैं गुरुवार को यहां पर मौसम साफ रहेगा, जबकि शुक्रवार शनिवार को यहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, वहीं रविवार को बिल्कुल मौसम साफ बना
बना रहेगा। 43 फिर 44 भी पहुंच रहा है एक दिन, लेकिन फिर 43 पहुंच रहा है यहां पर अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 24 तक ही दर्ज किया जाएगा। बीच में हालांकि 25 डिग्री तक होगा, लेकिन फिर 1 डिग्री की यहां पर गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बना हुआ है मौसम का हाल, आगे आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा रहेगा हाल, अभी आपने इसके बारे में जान लिया। तो मौसम से संबंधित जानकारी तो आपने हासिल कर ली, अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, अप्रैल का महीना चल रहा है, ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो खेती किसानी में अहम कदम उठाएं, अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल करें। तो कौन कौन से कृषि कार्य आप इस समय में अपने खेतों में कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। रजनीगंधा में एक हफ्ते के अंतराल पर सिंचाई और 2 हफ्ते के अंतराल पर तुड़ाई का काम करते रहे। ग्लेडियोलस में कंदों की खुदाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे और स्पाइक काटने के 40 से 45 दिन बाद घन कंदों की खुदाई करे। गुलाब में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहे। गेंदे की फसल में एफिड कैटरपिलर और माइट्स का हमला इस समय हो सकता है, बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स या कैराथेन का छिड़काव हर एक हफ्ते बाद कम से कम 2 बार करें। बेबीकॉर्न की खेती के लिए पर्याप्त जीवांश वाली दोमट मिट्टी बेहतर रहती है। अच्छी तरह समतल और बेहतर जल धारण वाली जमीन मक्का की खेती के लिए उपयुक्त है। पलेवा करने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से 10 से 12 सेंटीमीटर गहरी एक जुताई कर ले, उसके बाद कल्टीवेटर या देसी हल से 2-3 जुताइयां करके पाटा लगा ले। संकर प्रकाश और कंपोजिट केसरी बेबीकॉर्न के लिए अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों को बोने के लिए 2 कतारों के बीच 1 फुट की और पौधों के बीच 8 इंच की दूरी रखनी होगी। ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में अप्रैल के पहले पखवाड़े के दौरान आलू लगा सकते हैं। कुफरी ज्योति अभी के लिए अच्छी किस्म है, क्योंकि इस समय बोए आलू में झुलसा रोग लगने की संभावना रहती है। कुफरी ज्योति झुलसा से मुक्त किस्म है। जिन किसानों की प्याज और लहसुन की फसल तैयार हो चुकी है, वो इसकी खुदाई अप्रैल के अंत में करें। खुदाई के बाद फसल को 3 दिनों तक खेत में ही रहने दें, इसके बाद छाया में सुखाएं और फिर अच्छे से भंडारण करें। खुदाई के 10-12 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इस समय हरे चारे के लिए लोबिया की भी बुआई हो रही है। 1 हेक्टेयर 40 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार का फासला 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। बुआई के 50 से 55 दिन बाद लोबिया का चारा मिलने लगेगा। जाना आपने कि अपने क्षेत्र के अनुसार इस समय आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं, किस तरह से देखभाल कार्य आपको करना है, जिससे आगे चलकर अच्छी उपज आप हासिल कर सके। तो कृषि कार्यों की तो बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे गन्ने की खेती के बारे में। वैसे तो गन्ने की खेती कर सकते हैं इस समय, जी हाँ, ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई हो रही है, लेकिन आपको अच्छी उपज तभी मिलेगी जब आप शुरुआत से ही सही तरीके से प्रबंधन कार्य करेंगे। तो किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, बुआई का सही तरीका क्या है, कौन सी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ट्रेंच को खाई विधि भी कहा जाता है। इसमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर 2 आंख वाले टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। साथ ही उर्वरकों का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। सामान्य विधि में किसान बुआई के बाद सीधे पाटा लगा देते हैं। ऐसे में टुकड़ों के ऊपर ज्यादा मिट्टी आ जाती है, इससे 40-45% आँखें ही जम पाती हैं। ट्रेंच विधि में फावड़े या खुरपी की मदद से सिर्फ 3-4 सेंटीमीटर ही मिट्टी चढ़ाई जाती है। इससे जमाव दर 80-85% हो जाती है। नाली बनाने के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डाल दें, उसके ऊपर टुकड़े बोएं। ट्रेंच विधि में पूरे खेत की बजाय केवल नालियों में ही सिंचाई की जाती है। इसके 2 फायदे हैं, पानी की भारी बचत और खरपतवार नियंत्रण। 2 नालियों के बीच 120 सेंटीमीटर का जो फासला है, उसमें दलहनी फसलें लगाई जा सकती हैं। इन फसलों से गन्ना बुआई की लागत आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा दलहनी पौधे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ा देते हैं। दलहनी फसलें काटने के बाद खाली स्थान की जुताई करके मिट्टी चढ़ाने का काम करें। ग्रीष्मकालीन गन्ना नर्सरी विधि से भी लगाया जा सकता है। इसमें 1 आंख के छोटे छोटे टुकड़े काट कर अलग से पौध तैयार कर ली जाती है और फिर 1 माह बाद उन्हें रोप लिया जाता है। 2 पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसका एक फायदा ये होता है कि गेहूं कटाई तक फसल 1 माह की हो चुकी होती है। बीज चुनते समय सावधानी बरतें
और अपने इलाके की जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। बीज स्वस्थ हो, शुद्ध हो और बीमारी रहित हो। खास तौर से पछेती किस्में जैसे कोशा 767, कोशा 97264, कोपंत 3220, कोपंत 84212, COJ 85 और COJ 88 लगा सकते हैं। तो कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं गन्ने की बुआई के लिए, आपने जान लिया। और ट्रेंच विधि बहुत ही बेहतरीन साबित होती है, आप इसका भी चयन कर सकते हैं। कितनी आंख की आपको बुआई करनी है, तमाम बातों के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। और हम तो ये भी सलाह देंगे कि समय समय पर आप वैज्ञानिकों का भी संपर्क करते रहें, उनकी सलाह के अनुसार भी प्रबंधन कार्य करते रहें, निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज जरूर हासिल होगी। तो गन्ने की खेती के बारे में आपने जान लिया, कृषि कार्यों के बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली, मौसम की जानकारी भी हमने आप तक पहुंचा दी। इसके साथ आपको बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी तो आपको दे दें कि आप मौसम का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। QR कोड आपको यहां पर टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए, इसे सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जानिए देश के मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।